टेलीविजन नमस्कार, मैं मनीष शर्मा मैथ के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हो, आज हमारे वेक्टर का लेक्चर नंबर 11, जिसके अंदर हम आज आपके वेक्टर मल्टीप्लिकेशन की एक और स्टेज डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, मैंने आपको बताया कि वेक्टर मल्टीप्लिकेशन जो है वो दो तरीके से होता है, जिसमें एक होता है स्केलर प्रोडक्ट और एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट, जिसमें स्केलर प्रोडक्ट को हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। तो जो आज का जो हमारा कंप्लीट लेक्चर रहेगा वो रहेगा वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसके बच्चों जो नाम है वो क्या है, इसको क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों इसको, हम क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट हिंदी में इसको, इसको तो क्रॉस बोला जाएगा या इसको क्या बोला जाता है, सदिश गुणनफल, ठीक है। आज का जो मॉडल है का मेन जो एक रहेगा वो रहेगा क्रॉस गुणनफल अर्थात सदिश गुणनफल, ठीक है बच्चों। अब मान लीजिए आपके पास यहां पर दो वेक्टर हैं ए और बी, दो वेक्टर है बच्चों हमारे पास ए वेक्टर और बी वेक्टर, ठीक है। और इनके बीच का जो एंगल है वो क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो लिखा जाएगा कुछ इस तरीके से ए क्रॉस बी। याद रखना बच्चों, जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसमें तो हम बीच में क्या लगाते हैं, डॉट, यानी ए डॉट बी, और ये है ए क्रॉस बी। आप संख्यात्मक मान जैसे मत करना, जैसे 2 डॉट 3 6 होता है, 2 क्रॉस 3 6 होता है, क्योंकि तो ये सिर्फ एक संख्यात्मक मान है, न्यूमेरिकली वैल्यू है। लेकिन हम जब वेक्टर का जिक्र कर रहे हैं तब आपका जो डॉट है और क्रॉस है दो अलग अलग कंडीशन बनाएगा, दो अलग अलग स्थितियां बनाएगा। तो ए क्रॉस बी को लिखने का तरीका होगा ए का परिमाण बी का परिमाण साइन थीटा डॉट एंगल, कैसे था एंगल लिखा जा सकता है। तो ए क्रॉस बी का बच्चों जो फॉर्मूला होगा हमारे पास वो क्या हो जाएगा, ए का परिमाण बी का परिमाण साइन थीटा एंगल, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा एंगल भी लिखा जा सकता है, क्योंकि परिमाण को लिखने के एक ही तरीका है, यदि ऊपर से वेक्टर का साइन हटा दिया जाए तो वो क्या बन जाएगा, परिमाण बन जाएगा। ये है इसका डायरेक्टिव फॉर्मूला। अब जो एक बात आपके दिमाग में आएगी वो ये कि एंगल यहां पर क्या है, यदि ए सदिश दिया हुआ हो तो हम ए का परिमाण निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना। बी सदिश दिया हुआ हो तो बी का परिमाण भी मैं निकाल सकता हूं। दोनों के बीच का जो एंगल है थीटा वो दिया गया हो तो मैं उसके लिए साइन थीटा बता सकता हूं ना। जैसे फॉर एग्जांपल यदि थीटा 30 डिग्री है, 30 डिग्री है, तो साइन 30 डिग्री या साइन 30 डिग्री कितना होता है, 1/2 यानी 1/2। लेकिन अब कईयों के दिमाग में आएगा एन केप क्या है, तो देखो एन केप को समझने की कोशिश कीजिए, ये यदि ए वेक्टर ये बी वेक्टर ये थीटा, तो एन केप एक ऐसा सदिश होगा जो दोनों के ऊपर लंबवत हो। तो बच्चों जैसे ये मार्कर आपको दिखाई दे रहा है वो दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर अर्थात लंबवत है या नहीं, ये लंबवत है ना। ये जो आपको मार्कर दिखाई दे रहा है वो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर है या नहीं, दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर है ना, दोनों के ऊपर लंबवत है, तो ये आपका क्या होगा एन केप। केप लगने का मतलब क्या हो गया कि एन केप को हम कहते हैं यूनिट नॉर्मल वेक्टर, एन केप को क्या बोला जाता है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर अर्थात अभिलंब
इकाई सदिश, क्या बोला जाता है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर अर्थात अभिलंब इकाई सदिश। यहाँ पर आपको स्पेशली ये बात याद रखनी है, जो आपका एन केप होता है वो आपको, जो आपका एन केप है वो आपको उसकी अभिलंब की दिशा है, यानी ऐसा वेक्टर है जो दोनों के ऊपर लंबवत हो, दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर हो। आई बस समझेंगे, चाहे वो कोई भी कहीं समझे, एन केप उनका नॉर्मल वेक्टर है, उस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर अभिलंब है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ से एक बात वो रिजल्ट मैं बना सकता हूँ, वो रिजल्ट समझिए, ए का परिमाण कोई संख्यात्मक मान है, बी का परिमाण भी कोई संख्यात्मक मान है, साइन थीटा भी कोई संख्यात्मक मान है, यानी तीनों न्यूमेरिकली रिलेटिव है कोई ना कोई। तो यदि किसी वेक्टर में, आपको मेरा रूल बताया हुआ है, जब किसी सदिश में हम किसी संख्यात्मक मान का गुणा करते हैं तो वेक्टर उसके डायरेक्शन में उसी के अनुदिश रहेगा, ठीक है। अर्थात कहने का अर्थ ये हो गया, जैसे मान लीजिए ए वेक्टर ये है, इसमें मैं कोई संख्या का गुणा कर दूं, जैसे दो ए वेक्टर बना दूं, तो सिर्फ इसका परिमाण यहाँ आ जाएगा, यानी ये लाइन डबल हो जाएगी। यदि ए वेक्टर यहाँ तक है तो दो ए वेक्टर ये हो जाएगा, लेकिन क्या इसकी दिशा बदलेगी, क्या इसकी डायरेक्शन चेंज होगी, क्या इसकी डायरेक्शन तो चेंज नहीं होगी। तो बच्चों कहने का अर्थ ये हो गया कि जब आप दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, जब आप दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, उस कंडीशन में जो आपका रिजल्ट होगा वो हमेशा उसका अभिलंब वेक्टर होगा, यानी नॉर्मल वेक्टर होगा, उसके दोनों के ऊपर क्या होगा, लंबवत होगा। इतने बस समझ आ गई होगी। अब परिमाण क्या होता है वो आप सब जानते हो, परिमाण के जैसे कितने बारा बता देता हूँ। यदि मान लीजिए कोई ए वेक्टर कुछ ऐसा है, एक्स आई के, वाई जी के, जेड टी के, तो उसका परिमाण कैसे लिखते हो, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, कुछ ऐसे लिखा जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों यदि आपको ए वेक्टर दिया गया हो, बी वेक्टर दिया गया हो, तो आप यहाँ पर ए का परिमाण बी का परिमाण निकाल सकते हो, इस फॉर्मूले से साइन थीटा का निकाल लोगे, एन के साथ में रखना होता है, ठीक है, इतनी बात कवर हो गई। लेकिन अब बात आती है जब आपको इनके बीच का कोण अर्थात जो थीटा है वो ना दिया गया हो तो कैसे ज्ञात करोगे। सबसे बड़ी बात तो यही है, यदि मान लीजिए इनके बीच का जो एंगल है आपको ना दिया जाए, मैं सिर्फ आपको दो वेक्टर दे दूं क्वेश्चन में, भी मैंने बोल दिया ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, और आप मुझे उनका क्रॉस प्रोडक्ट करके बताइए, तब आप कैसे करोगे, तब दिक्कत हो सकती है, नहीं हो सकती, तो वो दिक्कत सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अब हम ये देखें कि क्रॉस प्रोडक्ट ज्ञात कैसे किया जाता है, लेकिन उससे पहले आपको एक बात को याद रखनी है, इसके जो अनुप्रयोग है यानी इसके जो कुछ रूल्स हैं वो, नंबर एक, जब थीटा जीरो या पाई हो जाए, जब थीटा क्या हो जाए, जीरो या पाई, तो जीरो होने का मतलब क्या हो गया, दोनों वेक्टर एक ही दिशा में, पाई होने का मतलब वेक्टर एक लाइन की हो लेकिन जो उनकी डायरेक्शन है वो क्या हो, विपरीत हो, यानी एक वेक्टर इधर जाए एक वेक्टर दूसरी तरफ जाए, तो दोनों के बीच का जो एंगल है यहाँ पे 180 डिग्री अर्थात पाई हो जाएगा। तो इन दोनों केस में जो साइन थीटा होगा वो हमेशा क्या हो जाएगा, जीरो, साइन थीटा हमेशा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बात समझ आ गई थी कि जब दो दिशाओं के बीच जो कोण है वो जीरो या पाई हो जाए, उस कंडीशन में साइन थीटा हमेशा क्या होता है, जीरो, क्योंकि ये आपका पढ़ा हुआ है कि थीटा इक्वल टू जब एन पाई होगा उस कंडीशन में साइन थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। तो इससे रिजल्ट क्या बनेगा वो देखो, यानी साइन थीटा जीरो होते ही ए क्रॉस बी भी क्या हो जाएगा, जीरो। अब बच्चों एक बात सुनिए आप कि सदिश गुणनफल, ये जो वर्ड मैंने यूज किया है क्यों यूज किया है, क्योंकि जब आप इनका गुणा करोगे, मल्टीप्लाई करोगे एक दूसरे से, तब जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा एक वेक्टर होता है। बस समझ आई कि जब ए क्रॉस बी आप करोगे तब जो भी रिजल्ट आएगा वो हमेशा क्या होगा, एक वेक्टर होगा। तो रिजल्ट वेक्टर होने की वजह से इस
बोला जाता है जिसमें डायरेक्शन का भी मतलब रहता है ठीक है तो इससे बच्चों एक रिजल्ट निकाला जा सकता है भाई अब एक बात सोचिए कि थीटा जीरो कब होता है थीटा जीरो कब होता है जैसे मान लीजिए ये कोई पॉइंट है ओ ये ए वेक्टर यदि इसी का इसी के साथ मैं क्रॉस प्रोडक्ट करना चाहूं तो दोनों के बीच एंगल क्या होगा जीरो डिग्री होगा या नहीं होगा देखिए कोई वेक्टर खुद के साथ कोई रेखा जैसे एक लाइन है और इसी के ऊपर एक और लाइन बना दी तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री होगा जीरो ही होगा ये दोनों देखो एक दूसरे से थोड़ा इसे दूर जाएगी तभी तो कोई ना कोई एंगल बनेगा अगर एक दूसरे के ऊपर है तो एंगल क्या हो गया जीरो डिग्री तो बस समझ में आई तो यहां से एक रिजल्ट निकल जाएगा कि कोई भी वेक्टर हो उसका खुद के साथ कोई भी वेक्टर हो उसका खुद के साथ जो क्रॉस होगा वो सदैव कितना होगा जीरो इसके ऊपर वेक्टर लगाना जरूरी है सीधा जीरो मत लिखना क्योंकि वेक्टर आपको मैंने पहले बता दिया है कि जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है जो आपका रिजल्ट देगा वो एक वेक्टर देगा तो इसका मतलब जीरो वेक्टर का मतलब ये हो गया जीरो आई के जीरो जे के जीरो के अब बच्चों इतनी बार दिमाग में बैठ गई होगी कोई डाउट तो नहीं है फिर मैंने ये बात बताई क्यों थी क्यों कई बार क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें किसी वेक्टर का खुद के साथ क्रॉस करना हो तो आपके माइंड में देख के ही आ जाए वो अर्थात क्या कर दो आप उसको जीरो जीरो होने का कारण समझ आ गया होगा क्योंकि यदि थीटा जीरो डिग्री है तो साइन थीटा क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा और साइन थीटा यदि जीरो हो गया यदि साइन थीटा आपका जीरो हो जाता है तो उनके बीच का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो कंप्लीटली प्रोसेस है वो क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी यानी याद रखना कोई भी वेक्टर हो उसका खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा कितना होगा जीरो तो यहाँ से बच्चों को मैं दो तीन रिजल्ट बना सकता हूँ या नहीं कि आई क्रॉस आई जे क्रॉस जे और के क्रॉस के हमेशा कितना होगा जीरो क्योंकि खुद का खुद के साथ ही क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है इतने बार दिमाग में बिठा लोगे आप क्लियर रखेंगे हाँ अब पीछे वाला और इसके अंदर मिक्स मत कर देना कि जब आई डॉट आई जे डॉट जे और के डॉट के जब हमने बच्चों यूज किया था उस वक्त हमने वैल्यू कितनी लिखी थी वन ठीक है याद रखना हमने आई डॉट आई जे डॉट जे एंड के डॉट के ये कितना होता है वन होता है लेकिन जब बात क्रॉस की आती है तो ये सब वैल्यू क्या हो जाती है जीरो इतनी बात बच्चों कवर हो गई होगी कोई डाउट है अच्छे तरीके समझ आ गई आगे बढ़ते हैं अब बारी आती है आगे की स्टेप की सेकंड जब थीटा इक्वल टू कितना हो जाए पाई बाय टू जब थीटा कितना हो जाए पाई बाय टू उस कंडीशन में साइन थीटा हमेशा कितना होगा एक अर्थात वन होगा ठीक है तो ये भी आपको थोड़ा सा फॉर्मूला याद रखना है तो बच्चों हम क्या करते हैं आई जे और के का मल्टीप्लाई करके देखते हैं आई के क्रॉस जे के क्या होगा आपको ये सोल्व करके बता रहा हूं आपको सिर्फ रिजल्ट याद रखना है ठीक है आपको मैं सोल्व करके बता रहा हूं आई के क्रॉस जे के क्या होगा आपको उसका रिजल्ट क्या देखना है हमारे बच्चों जो डायरेक्शन है वो ये है यहाँ पे हमने डायरेक्शन पढ़ दी ठीक है यहाँ पे एक काम करते हैं ए यानि लो जे यानि लो तो आपकी डायरेक्शन आपने सेट हो गई हमारी डायरेक्शन ये है आई जे की कुछ इस तरीके से हम चल रहे हैं ठीक है तो आई के क्रॉस जे के को उस फॉर्मूले से हम क्या लिखूंगा आई के का हम जी के कम दोनों के बीच का कोण कितने डिग्री का है 90 का 90 डिग्री साइन 90 डिग्री डॉट एन के इन दोनों पे जो परपेंडिकुलर है वो क्या होगा ये के तय नहीं जैसे देखिए यहाँ पे फॉर्मूले में हम क्या यूज करते हैं कि ए के वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर में जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर है एन के वो यूज हो रहा है यानी एक ऐसा वेक्टर जो ए और बी दोनों पर क्या हो परपेंडिकुलर अर्थात
लंबवत हो। तो यहाँ पर देखिए जो के पे पर वो दोनों पे इस तरीके से, ये आपको बोर्ड पे डायग्राम में ऐसा जरूर दिख रहा है, बाकी एग्जैक्टली तो ये ऐसे ही होता है। वैसे अगर मैं बोर्ड पे वर्टिकल एंगल जो आपको दिखाई थोड़ी ना देगी, तो उसको सिर्फ बताने के लिए कि के पे ऐसा दिख रहा है आपको, क्योंकि बोर्ड जो है कंडीशन है और थोड़ी शेप को बोर्ड पे आप क्लियरली नहीं दर्शा सकते हो, तो इस वजह से इसको ऐसे लिखा गया, बाकी एक्चुअली है तो ये ऐसे। तो यहाँ पे एन के पे जितना मैं टी के यूज कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, बस समझ आ गई होगी कि आई के क्रॉस जे के को बच्चों मैं क्या लिख सकता हूँ। आई के का मोड जे के का मोड साइन 90 डिग्री, क्योंकि दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल होता है आप जानते हो, और जो दोनों का नॉर्मल वेक्टर है अभिलंब इकाई सदिश है वो पी के भी होगा। डायग्राम में अकॉर्डिंग मैं बताता हूँ कि ये लाइन अगर मैं ऐसे बनाऊँ तो वो दिखेगी थोड़ी ना वहाँ पे, आपको दिखेगी तो तभी कि जब इसको ऐसे दिखा जरूर गया, बाकी एक्चुअली होती तो ये ऐसी है। तो फिर मैं एन के एफ मैं जे के भी इस्तेमाल कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, कर सकता नहीं आप यूज। अब बच्चों देखो ये इकाई सदिश है जिसके ऊपर केप लग जाए वो यूनिट वेक्टर होता है, अर्थात इकाई सदिश होता है केप लगाना, और उसका परिमाण हमेशा कितना होता है एक, यानी जो मैग्नीट्यूड होगा वो यूनिट वेक्टर का वो हमेशा कितना होता है एक। तो इसकी जगह में ये लिखूंगा, इसकी जगह में वन लिखूंगा, इसकी जगह में वन फोर ए एफ। तो यहाँ से रिजल्ट आ गया आई केप क्रॉस जे केप इक्वल टू ए। बस समझ आ गई, आई केप क्रॉस जे केप इक्वल टू ए केप। अब बच्चों आप सब जानते हो यदि मैं सदिश की वेक्टर की डायरेक्शन अर्थात दिशा बदल दूं तो उसके ऊपर कौन सा साइन लग जाता है, माइनस का। तो यदि इसको मैं ये लिख दूं जे केप क्रॉस आई केप तो इक्वल किया जाएगा माइनस का, याद रह जाएगी भाई डायरेक्शन रिवर्स कर दो। ये वेक्टर का बच्चों ये रूल होता है आपको मेरा बताया हुआ भी है कि जब हम वेक्टर की डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, यदि मान लो जैसे मार्कर है इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसको मैं ऐसे दिखाऊं तो इसकी डायरेक्शन चेंज होगी तो वो नेगेटिव रिजल्ट देगा। जैसे एग्जांपल जैसे फोर्स होता है, बल होता है, बल होता है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक गाड़ी खड़ी है, मुझे इस ये जगह है वहां पहुंचाना है, तो मैं इस डायरेक्शन में इसको पुश करूंगा, धक्का दूंगा। तो यदि मैं डायरेक्शन बदल दूं, यदि मैं इधर धक्का दूं तो इसके पास आएगी, यदि मैं इसकी डायरेक्शन चेंज कर दूं इसकी फोर्स की, यदि मैं इस साइड से इसको धक्का दूं पुश करूं तो आपने देखो गाड़ी इसके पास जाएगी या दूर जाएगी, दूर गई तो यानी रिजल्ट नेगेटिव मिल गया, जो पास जाना था वो दूर जा रही है। तो यहाँ पे डायरेक्शन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रहेगा, तो याद रखना जैसे ही डायरेक्शन आती है रिजल्ट नेगेटिव हो जाएगा। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप ये ले सकते हो कभी जो चीज पास जाने की फोर्स के डायरेक्शन चेंज कर दो वो क्या गई दूर, अब पास का अपोजिट ही होता होगा दूर जाना, किसी के आप क्लोज जाते हो किसी से डिस्टेंस ज्यादा हो जाए तो वो अपोजिट हो गया, ठीक है क्लियर हो गया बच्चों ये बात। इसी आधार पर मैं दो रिजल्ट और बना सकता हूँ। अब जो ये बात आपको याद रखनी, इसी तरीके से जो जे के क्रॉस के केप क्या हो जाएगा, आई केप नहीं हो जाएगा, सेम ये प्रोसेस यदि मैं लगाऊं, जब आई और जे का क्या आया है तो जे और के का क्या आया, आई आएगा, इनको रिवर्स कर दो के केप क्रॉस जे केप ये क्या हो जाएगा, माइनस आई हो जाएगा। सेम यही प्रोसेस की और आई के लिए करूं, सेम यही प्रोसेस किसके लिए करूं, के और आई के लिए, क्या रिजल्ट आएगा यहाँ पे, के केप क्रॉस आई केप इक्वल टू हो जाएगा जे केप, यदि इसके मैं जो रिजल्ट डायरेक्शन चेंज कर दूं आई केप क्रॉस के केप को क्या हो जाएगा, माइनस का जे केप। अब बच्चों ये जो रूल है रूल नंबर 1, 2 एंड 3 ये तीनों के तीनों आपको याद रखने, क्योंकि जो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हम करेंगे उनमें ये रूल बहुत ज्यादा काम आएंगे और आगे के क्वेश्चन में भी हमारी ये बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, ठीक है याद रहे इतनी बातें। और बच्चों आपको नोट्स भी पीडीएफ के फॉर्म में बहुत जल्दी उपलब्ध हो जाएगी, ठीक है आपको जो नोट्स है वो पीडीएफ के फॉर्म में बहुत जल्दी है फिर इस वीक के अंदर आपको उपलब्ध करवा दिए जाएंगे, जितना आपको करवा दिए गए उतने, ठीक है नोट्स विद थ्योरेटिकल पार्ट जितना भी समझाया हुआ सब आपको उपलब्ध हो जाएंगे, ठीक है बस आप एक बार टॉपिक को कवर करिए समझने की कोशिश कीजिए। तो इतनी बात समझ आ गई होगी सर, तो बच्चों ये मतलब याद रखिए ये क्यों हमने अब डिस्कस किया उसका रीजन मैंने आपसे जिक्र किया था कि जब हमें थीटा नहीं दिया जाए, जब आपको दो वेक्टर दे दिए जाए लेकिन उनके बीच का एंगल थीटा ना दिया जाए तो फिर ये बोलते कि वो क्रॉस प्रोडक्ट करो तो आप कैसे करोगे, थीटा तो नहीं ना एन केप का
जब ये दोनों ही ना हो तब मैं आपको कह दूं तो आप क्या पता कर पाओगे। तो बच्चों ये ज्ञात किया जा सकता है, उसके लिए क्या प्रोसेस होगी वो समझिए आप, ठीक है। तो इसको साफ कर दूं, तो अगली की प्रोसेस जो है हमारी वो देखिएगा, दो डिफरेंट वेक्टर है बच्चों हमारे पास, ठीक है। हमें क्या करना है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट करना है ए रो से बी। तो हम यहाँ पे डिटरमिनेंट मेथड अर्थात सारणिक का इस्तेमाल करेंगे। सारणिक में यहाँ पे होता है आई के जे के के के, पहले ए आया तो पहले ए वाली वैल्यू आएगी, फिर बी है तो फिर बी वाली वैल्यू। तो ये पहले कितना लिख सकते हो, इतना लिख सकते हो। अब जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ से सुन लीजिए, सबसे पहले यहाँ लिखो आई के। देखो जिन बच्चों के डिटरमिनेंट याद है पढ़ी हुई है बहुत अच्छी बात, यदि हो सकता है किसी के याद नहीं है तो मैं जो रूल बता रहा हूँ उसको सुन लो। आई के आपने जो लिया है उसको छोड़ दो, उसको छोड़ने का मतलब आई के जिस रो अर्थात जिस पंक्ति में आ रहा है और जिस कॉलम में आ रहा है एक बार उनको छोड़ दो। आई के जो है वो पहली रो अर्थात पहली पंक्ति में आ रहा है, पहला कॉलम अर्थात रिस्तम में है, दोनों को रिमूव कर दो। क्या आपके पास सारणी बच जाएगी y1 z1 y2 z2 कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है, कितने बात आ गई समझ में। फिर बारी आती है बच्चों जे के की, तो ये याद रखना है कि नेगेटिव साइन में लिया जा रहा है, ठीक है। अब सेम यही प्रोसेस यदि मैं जे के लिए करूं जैसे मैंने आई के लिए किया, तो जे के बाद तो रहा है फर्स्ट रो में पहली पंक्ति, लेकिन कॉलम कौन सा हो गया, कॉलम तो दूसरा हो गया स्तंभ। अब इनको छोड़ दो तो क्या बच गया, x1 z1 x2 z2। कितने बस मजा आ गया। नेक्स्ट यही प्रोसेस अब यदि मैं k के लिए करूंगा, तो यदि मैं प्लस k के लिए यही प्रोसेस करूंगा तो यदि इनको छोड़ दिया जाए जाएगा x1 y1 x2 y2। तो इतनी बात समझ आ रही हो, कोई डाउट तो नहीं है। जिस रो और जिस कॉलम में आप वो एलिमेंट ले रहे हो उनको छोड़ दो, जैसे आपका आई के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में आ रहा है उनको छोड़ के बन बचा दो जो भी बना, जो जे के पे वो आपका सेकंड कॉलम में आ रहा है और फर्स्ट रो में आ रहा है तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हटा दो, और जो के के पे वो आपका फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में आ रहा है, ठीक है। अब आपका बच गुणा अर्थात क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जानते हो क्या होगा, इनका गुणा माइनस इनका गुणा, तो y1 z2 - y2 z1, ठीक है। माइनस का z क्या है, x1 z2 - x2 z1 प्लस k के x1 y2 - x2 y1। तो यह आपका फॉर्मूला जनरेट हो चुका है कि जब आपको दो वेक्टर इस फॉर्म में दिया गया हो तो आप उनका मल्टीप्लाई कैसे करोगे। एक मिनट इसको देख लीजिए, कुछ ऐसा
मतलब जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपको ये पता करना हो कि ए और बी के अभिलंब की दिशा में अर्थात उसका कोई नॉर्मल वेक्टर फाइंड आउट करना हो जब भी, तो आप सबसे पहले क्या फाइंड आउट करोगे, ए रो से बी, इस फॉर्मूले से आप फाइंड आउट करोगे। यदि ए क्रॉस बी आप फाइंड आउट कर लेते हो तो वो आपको एन केप नहीं देगा, वो आपको एन वेक्टर देगा, वो आपको क्या देगा, एन वेक्टर देगा, नहीं कि एन केप। हाँ, ये एन केप के परिमाण से मैग्नीट्यूड से इसको जब आप डिवाइड कर दोगे तो आपको क्या रिजल्ट देगा, अर्थात यहाँ से जो कहने के रिजल्ट ये आ सकता है कि जो ए बी का मैग्नीट्यूड होगा, यदि मैं दोनों तरफ मोड लगा, दोनों तरफ क्या लगा दूँ, मोड लगा दूँ, तो ए क्रॉस जो बी का मोड होगा, ए तो पहले मोड की वैल्यू और बी भी मोड की वैल्यू, इन दोनों पे मोड लगा दो तो ए बी साइन थीटा तो पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी, एन केप का मोड कितना होता है ए, तो ए बी साइन थीटा क्या होगा, ए बी साइन थीटा होगा, ठीक है। ए क्रॉस बी का जो मोड है वो क्या हो जाएगा, जो ए बी साइन थीटा, क्लियर है। अब तो यहां से साइन थीटा क्या जाएगा, ए क्रॉस बी डिवाइड बाई ए बी, एक फॉर्मूला बन गया, नहीं बन गया। तो दोस्तों इस फॉर्मूले से आप दो सदिशों के बीच का कोण पता कर सकते हो कितने डिग्री का है, और यदि आपको ये सिद्ध करना हो कि दिए गए सदिश समांतर है अर्थात पैरेलल है, बच्चों याद रखना दो वेक्टर के बीच जो एंगल होता है वो जीरो कब होता है, या तो वो पैरेलल अर्थात समांतर हो, या एक ही लाइन पे हो, या लाइन एक ही और डायरेक्शन के अपोजिट हो जाए, यानी एंगल क्या हो जाए, फाई हो जाए। इन तीनों केस में उनके बीच का जो साइन थीटा है वो आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना जब भी आपको ये सिद्ध करना आ जाए कि प्रूव करो कि वो जो वेक्टर है वो कैम पैरेलल है अर्थात समांतर है, तो समांतर सिद्ध करने के लिए आप क्या करो, ए क्रॉस बी को क्या प्रूव कर दो, जीरो। यदि मान लीजिए आपका ए क्रॉस बी क्या आ जाए, जीरो आ जाए, तो इस कंडीशन में आप ये बोल सकते हो जो आपके वेक्टर होंगे वो पैरेलल या कोलिनियर होंगे, ठीक है। इतने बस समझ आ गई होगी। तो बच्चों आज के इस लेक्चर में इतना ही, बाकी की जो जानकारी है इससे रिलेटेड वो नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रिलेटेड जानकारी प्लस इसके जो एग्जाम्पल या जो अच्छे क्वेश्चन है वो भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बच्चों टेक केयर, धन्यवाद।